अगर तुम बालक मैथ बूस्टर वाले प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो इस चैनल पर, तो यार ये क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए था। अगर ट्राई नहीं किए हो तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर ट्राई करो और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। एनटीएसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अगर ए प्लस ए बी सी एक रियल नंबर है, इस तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, 1 बाई ए प्लस बी, 1 बाई बी प्लस सी और 1 बाई सी प्लस ए का जो सम है वो बालक 10/3 दिया हुआ है, तो तुम्हें बताना है कि a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी क्या होगा। ट्राई करोगे बन जाएगा, अगर तुम मैथ बूस्टर वाले प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो, क्योंकि वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हुआ है। तो बालक इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच को देखना ध्यान से। ये जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगर इसमें LHS और RHS में दोनों साइड हम लोग a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। करने से क्या होगा तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। दोनों साइड अगर हम a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी और यहाँ पर आ जाएगा बालक a प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए, ऐसा कुछ आएगा। LHS में इधर मल्टीप्लाई किए LHS में a प्लस बी प्लस सी से, तो उधर भी करना पड़ेगा, यानी कि 10/3 इंटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, तो यार यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर हम लोग 3 भी रख सकते हैं ना, क्योंकि इसका वैल्यू 3 है, ये 3 से 3 वाला कैंसिल हो गया, 10 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तुम ध्यान से सुनना, यहाँ पर a के नीचे b प्लस सी है ना। ए के नीचे अगर बी प्लस सी है तो हम ये बोल रहे थे कि हम लोग यार यहाँ पर ऐसे ब्रेक करके लिखा जाए कि ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी बाई ए प्लस बी और साथ साथ सी बाई ए प्लस बी। इसको हम लोग देखोगे ध्यान से बालक, यही मेन बात है, इसको हम लोग ऐसे लिख ले तो क्या दिक्कत है, एकदम लिख सकते हैं। और इसको देखते हुए लिखे कि हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है उसको देखते हुए ऐसा लिखा गया है ना। इसको तुम वापस से सॉल्व करोगे ना बालक तो यही बात आ जाएगा, तुम सॉल्व करके देखो, एलसीएम लेकर के ऐड करोगे तो यही बात आ जाएगा। ब्रेक कर सकते हैं ऐसा। आगे देखो, यहाँ पर देखो सी बाई ए प्लस बी आ गया, उसी तरीके से देखो बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी के ऊपर में क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम लोग क्या करें ना कि एक बार लिख ले ए बाई बी प्लस सी और उसके बाद लिख ले बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, ऐसा लिख देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो सी प्लस ए के ऊपर क्या चाहिए, देखोगे ध्यान से, C प्लस ए के ऊपर क्या चाहिए, B चाहिए। तो एक बार हम B बाई सी प्लस ए लिख लिए और उसके बाद हम लोग ए प्लस सी सी प्लस ए लिख लिए, इज इक्वल टू 10 आ गया। इस साइड तो 10 ही था। तुम इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे मतलब इसको ऐड करोगे वापस से ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है, और ब्रेक करेंगे क्वेश्चन में जो डिमांड है, जो पूछा है उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे। बात क्लियर होगा। अब देखो बालक, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया यहाँ पर, है ना, ये दोनों भी कैंसिल होकर के 1 आ गया और ये दोनों भी कैंसिल होकर के 1 आ गया। तुम ध्यान से देखो तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार 1 को प्लस करोगे 3 आ गया, और ये जो प्लस 3 है अगर इसको हम उस साइड भेजे तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बालक 10-3, है ना। तीनों 1 को इस साइड भेज दिए, अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, एक है a बाई बी प्लस सी, ये बचा था, एक बचा था अपने पास बालक b बाई c प्लस a, ये बचा था और एक ये वाला चीज़ बचा हुआ है प्लस c बाई a प्लस b। और तुम जानते हो कि 10 से 3 को माइनस करोगे भाई 7 आ जाएगा, और यही तुम्हें बालक फाइंड करना था, यानी कि a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी का वैल्यू जो है यहाँ पर बालक 7 आ गया। कोई दिक्कत? इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, या वो ओलंपियाड एग्जाम का पीवाईक्यू हो, जिस टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड्स में पूछा जाता है, एनटीएसी एग्जाम में, आईएमओ में पूछा जाता है, अगर वैसे क्वेश्चंस का, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का तुम कलेक्शन एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पर बालक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसे जाकर के ट्राई करो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें मैथ बूस्टर मिलेगा और वहाँ पर बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बालक अपलोडेड है। हर एक क्वेश्चन को जब तुम ट्राई करने लगोगे तुम देखोगे तुम्हारा मैथ्स डे बाई डे बूस्ट होने लगेगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।